हाय एक्सक्यूज मी यार, मैं ना लोगों का भविष्य बताता हूँ, तो दो मिनट बात करूँ आपसे मैं? नहीं नहीं भैया, आप जाओ, हम टाइम स्पेंड मैडम आपके बारे में बताऊँ, मतलब भविष्य बताता हूँ तो मैं बता दूंगा आपके साथ क्या होने वाला है और पीछे क्या हुआ है, तो दो मिनट बातें करूँ आपसे? नहीं। अच्छा भैया, आपका नाम एस से है ना? हाँ एस से तो है, तो मैं कैसे पता? मैडम आपका नाम एम से है ना? हाँ है ना, आपका एस से, आपका एम से, आपको कैसे पता? मैं मेरे को मैंने बोला ना, मैं भविष्य बता देता हूँ, ठीक है? तो कुछ बातें करें हम इस बारे में? हाँ हाँ बताओ बताओ। है ना, अच्छा हाय, क्या नाम है आपका? सौरभ। सौरभ है ना, और आपका? मनीषा। मनीषा, देखो बिल्कुल सही बताया ना। तो मैं ना लोगों का भविष्य बताता हूँ, भविष्य ये बताता हूँ कि भाई आप ना बहुत अच्छे इंसान हो, ठीक है? इतने अच्छे इंसान हो, जो आपकी गर्लफ्रेंड है वो भी बहुत अच्छी है, ठीक है? बट क्या है ना, आप लोगों की मदद तो करते हो, जिनकी मदद करते हो वो आपके साथ नहीं देते, ऐसा होता है आपके साथ? हाँ भाई, ये तो बहुत होता है, मैं लोगों की तो बहुत हेल्प करता ही हूँ। आपके पास पैसा भी बहुत आता होगा, बट हाथ में नहीं रुकता होगा ना? हाँ यार, हाथ में तो नहीं रुकता। आप अपने से ज्यादा दूसरों के बारे में सोचते हो ना? बिल्कुल, बिल्कुल, है ना, मतलब ये झूठ तो नहीं बोला मैं? सच है, नहीं ये सच। अभी क्या है, एक जॉब, आपसे जॉब इंटरव्यू देने गए थे, वहाँ पे मतलब ऐसे सिलेक्शन होते होते आपका ना हो गई। बिल्कुल सही बोल रहा हूँ ना? करेक्ट करेक्ट, मतलब ऐसा कुछ नहीं कि मैं फेंक रहा हूँ। नहीं नहीं भाई, बिल्कुल सही। आपके तीन भाई है ना? हाँ भाई। हाँ, तुम्हें कैसे पता? और अभी आप जॉब सर्च कर रहे हो? हाँ जी भाई। अच्छा, और मैडम आपके बारे में बताऊँ? हाँ हाँ बिल्कुल बताओ। है ना, आप बहुत एक्साइटेड हो, आप थोड़े से आगे आ जाओ, है ना? मतलब आप जिसको एक बार समझते हो ना, जिसको आप एक बार देखते हो, मतलब जो चीज़ आपको अच्छी लगती है, मतलब जिद्दी हो आप, है ना? जैसे कि आपको कुछ भी अच्छा लगा वो खरीद लेते हो आप, है ना? चाहे वो आपको इनसे लड़के खरीदनी हो, चाहे वो आपको अपने पैसे से, चाहे घर वालों के पैसे से, मतलब आप थोड़ी नहीं जिद्दी टाइप की हो ना, गलत तो नहीं बोला? बहुत ज़्यादा। और मतलब कहीं ना कहीं आप ना मतलब गुस्सा ज़्यादा करते हो, इसलिए आप मतलब थोड़ी पतली सी हो, है ना? सही बोला हूँ ना? अच्छा भाई, आपने क्या नाम बताया था अपना? सौरभ। सौरभ भाई आए, ठीक है, अब गुस्सा मत करना, मैं जो मैंने फील कर रहा हूँ ना वो मैं बता रहा हूँ, तो आप दोनों माइंड मत करना यार प्लीज, है ना? मतलब आपकी इनसे पहले तीन गर्लफ्रेंड रह चुकी है ना? अरे भाई क्या बता रहे हो? एक सेकंड, तुम्हारी तीन गर्लफ्रेंड थी? अरे बाबू कुछ भी बकवास कर रहे हो। एक नहीं, एक मिनट सुनो, तीन गर्लफ्रेंड रह चुकी है ना आपकी इनसे पहले? आप चुप रहो, तुम्हारी तीन गर्लफ्रेंड थी, तुमने तो मुझसे कहा था कि तुम्हारी सिर्फ इकलौती मैं ही थी। अभी जब तुम आई तुम अकेले। अरे यार देखो यार, झगड़ा मत करो, देखो जो जो बताऊंगा मैं सच सच बताऊंगा। यहां मेरी जिंदगी बर्बाद हो रही है, तुम्हें झगड़े की पड़ी है यार, तुम सच बताओ। मैडम एक मिनट चुप हो जाओ, आप चुप हो जाओ, एक मिनट एक मिनट। अभी एक इनकी फ्रेंड है नेहा नाम की, है ना? वो जो कभी कभी इनके साथ आती है आपसे मिलने, कहीं भी आपको जब कहीं घूमने जाते हो तो आप ये लेके आती है, आप तीनों लोग जाते हो, कभी कभी आप उनके भी लाइन मारते हो ना? कितने गिरे हुए हो यार तुम? बता रहे हो यार, ये नहीं ये बताने की बात होती है क्या? नहीं मैं जी यार, तुम मतलब मेरी मेरी फ्रेंड पे भी लाइन मार रहे हो? ऐसा नहीं है बाबू। और तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला तुम्हारी तीन गर्लफ्रेंड थी यार तुम? मैं बता रहा हूं तुम्हें सब, बस ऐसा नहीं है यार, तुम क्या बताओगे मुझे? मतलब और अभी कितना झूठ बोलते हो तुम? सुन लो अभी और बता रहा हूँ मैं, धोखेबाज कह के। अभी आप नए नए शिफ्ट हुए हो कहीं पे? हाँ भाई। कि जिस जगह पे शिफ्ट हुए हो सामने एक भाभी रहती हैं, आप उन पे भी मतलब थोड़ा ताक झांकी करते हो ना? नहीं भाई यार, तुम क्या बता जा रहे हो? ऐसा नहीं है, कितना गिरा हुआ इंसान है ये। ऐसा नहीं है, मेरी दोस्त, सामने वाली भाभी और तीन गर्लफ्रेंड। अरे किसी से बातचीत करने से, ताक झांकी करने से कोई गर्लफ्रेंड दोनों बन जाती है? तुम अपना फोन मुझे चेक नहीं कराते ना? लो कर लो चेक फोन। अब क्या करूं, अब तो मुझे पता लग गया, बता दिया इन्होंने। फोन की भी बात आई, जब तुम मिलने आते हो तो सारी चैट वैट डिलीट करके आते हो ना? अरे भाई यार 50,000 कॉल आते, किस किस की रखूंगा मैं? डिलीट करके आते हो ना? नहीं आता तब मैं क्या करती? अरे मैं तुम्हें सच से बता, हटा यार तुम। अच्छा सुनो, अब ठीक है, अब मैंने बता दिया मैडम, अब आपके बारे में ऐसा कुछ बताऊंगा तो आप माइंड मत करना, ठीक है? हां बताओ बताओ। क्या बताओगे? मेरे पास तो कुछ है ही नहीं। आपके पास कुछ नहीं है, मतलब आप जो इनसे प्यार करते हो, सच्चा प्यार करते हो, झूठा प्यार करते हो? ऑब्वियसली बात है, सच्चाई करती हूँ मैं। भाई मैं आपको बता दूँ सच्चाई, ये आपके पॉकेट के पीछे पड़ी हुई है बस। ये झूठ बोल रहा है, ये झूठ बोल रहा है, ऐसा कुछ भी बात, नहीं है। दूसरी बात मैं और बता दूँ, इसके 5 बॉयफ्रेंड पहले रह चुके हैं। यार तुम कैसे इंसान हो, अभी तुमने इनके बारे में बोला, अब तुम मेरे बारे में बोल रहे हो? जो मेरे माइंड में दिमाग में आ रहा है, ऊपर से मैं वाइब कर पा रहा हूँ ना, मैं मतलब महसूस कर रहा हूँ ऐसा, आपकी माथे की लकीर, आपका फेस देख के। और अभी मैं बता दूं, ये अभी प्रेजेंट में आप तीन लोगों को डेट कर रहे हो एक साथ? नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, ये तुम्हें पागल बना रहा है, ये कोई एस्ट्रोलॉजर नहीं है, ये उल्लू बनाने वाला इंसान है। तीन लोगों को डेट कर रहे हो? नहीं भाई, मैं आपको बता दूं, रात में अरे डीएम का नाम बता दो तुम। रात में 1 बजे के बाद इनका फोन हो जाता होगा स्विच ऑफ, है ना? हाँ भाई बिल्कुल, स्विच ऑफ होने के बाद इनके पास है 2 सिम, दूसरी सिम से ये तीनों बॉयफ्रेंड जो बाकी हैं उनको मैनेज करते हैं। तुम तो कह रही थी मैं स्विच ऑफ हो जाता, बैटरी लो हो जाती है।
ऐसा कुछ भी नहीं है, ये उल्लू बना रहा है तुम्हारा। मैं ऐसा है नहीं, ये बताओ ये ऐसा, पागल है यार। ये, चलो छोड़ो, रात को तुम किसी पे अनजान तुम्हारे एक बजे के बाद फोन स्विच ऑफ होता नहीं, बैटरी ऑफ हो जाती है, तुमसे बात करती हूँ तो फिर बैटरी ऑफ नहीं होगी, बताना। बैटरी तो मैंने तो सोचा नहीं, बैटरी चार्जिंग पे भी लग सकती है ना दोबारा से। और यार रात में लाइट चली जाती है ना, तुम तो कह रही तुम्हारे इन्वर्टर है, तो इन्वर्टर ऑफ नहीं हो सकता क्या? मैं बता दूं, अभी दिवाली गई है, दिवाली पे एक सुधांशु नाम का इनका बॉयफ्रेंड है, उसके साथ घूमने गए थे, आपको बोल दिया था मम्मी मैं घर में काम कर रही हूँ और आज फोन मत करो, ऐसा बोला था। ये पागल इंसान है या घूमते घूमते ऐसी आ गया हम दोनों को पागल बनाने के लिए? मैं बता रहा हूँ, देखो यार तुम, मैं मतलब अपनी गर्लफ्रेंड के जो बाकी बॉयफ्रेंड है ना, जो बाकी बॉयफ्रेंड से उनसे 1-1 लाख रुपए खा चुकी है, आपसे 50,000 रुपए इसने ले लिए हैं, मतलब ऐसे ही कभी कहीं शॉपिंग कभी कहीं कुछ, और आपको निचोड़ने का प्लान है इसका। तुमसे मैंने कभी पैसा मांगा है? अरे मांगने की तो जॉब ही नहीं आती, उससे पहले इतनी शॉपिंग कराता हूँ मैं आपको, सारे आपके शॉप पूरे करा देता हूँ। शॉपिंग की तो कराते हो, और सुनो सुनो भाई, इसके अलावा क्या? तुम्हारा जो दीपक दोस्त है ना, मतलब उसके साथ भी इनका ताका जाके चल रही है। छी, वो तो भाई भाभी कहता तुम्हें, ये झूठ बोल रहा है, और आपके सामने बोलती है वो मेरा भैया है। और तीसरी बात सुन लो, मतलब बहुत सारी बातें हैं जिसको ये बेस्ट फ्रेंड, किसी को बेस्ट फ्रेंड बताती है, उससे भी फ्यूचर में सोच रही है। सच्चाई बताई है, देखो मैं आपको बता दूं, आपकी भलाई इसी में, एक दूसरे को छोड़ दो। अरे छोड़ दो भाई, छोड़ दी, चल निकल, तू निकल यहाँ से, तू निकल गंदी से शक्ल का। भाई थैंक यू यार, तुमने मेरा फ्यूचर बचा दिया। आप भी अच्छे नहीं हो,